दोस्तों, इस समय मैं तमनार में हूँ और इस समय तमनार हम लोग आए थे पेंशनर संघ का मीटिंग। आज पेंशनर दिवस था और तमनार में रखा गया था, पूरा स्टेट का था। तो हमारी विकास खंड से हमारे बहुत से साथी आए हुए हैं, आइए मैं आप लोगों से मिलाता हूँ। ये हमारे कांसाबिल के साथी हैं और पत्थल गाँव के भी साथी हैं और जसपुर ज़िले के हैं मान के चलिए। और अभी पूरे लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, इधर उधर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हैं और हमारे बीच में जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिला के अध्यक्ष हैं जो हमारे गुरुदेव भी रहे हैं और आज मैं भी रिटायर होकर के उनके साथ में हूँ। तो आइए जरा उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पेंशन संघ जिंदाबाद, पेंशनर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग जिला जसपुर के विभिन्न हमारे विकास खंडों से कुल मिलाकर के 37 गाड़ियां ये तमनार की धरती पर, जहां हमारा वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, वहां पर हम लोग पधारे थे। और अभी जो है यहां पर वर्तमान में कुछ बंधु लोग यहां पर उपस्थित हैं, बाकी सभी लोग हैं नहीं। 37 गाड़ियों में आने वाला पहला ज़िला है जसपुर ज़िला। और आज हम पेंशनर संघ के बैनर तले इसलिए आए थे कि हमारे विभिन्न मांग जो लंबित हैं, उन मांगों को शासन पूर्ति करे। इसी कड़ी में हमने अपने ज़िले के समस्त विकास खंडों के अध्यक्ष, सदस्य, सभी लोगों को लेकर के 37 गाड़ियों से आए थे और अभी हमको जाना है। और आज के जो कार्यक्रम है उसमें हमने शासन से मांग किया है और जो होने लायक जो मांगे हैं उस पर शासन जरूर मन विचार करेगी, ये जो है हमारी निश्चित रूप से जो है ना उसमें इच्छा है और हमारा उसमें निश्चित रूप से जो है ना एक का कहना चाहिए आशा है कि वो काम हमारा होगा। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे ज़िला जसपुर से इसी प्रकार का जब कभी भी माने इस तरह का हमारा 17 दिसंबर को हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है, वहाँ ज़रूर पधारें। और विशेष बात ये हुई कि हम जो है आधा घंटा कम माने विलम्ब से हमने पहुँचे, जिसके कारण से क्या हुआ कि हमारे 80 वर्ष पूर्ण कर चुके पेंशनर बंधु लोगों को यहाँ पर हमने लाए थे, परंतु अपरिहार्य कारणवश जो है उनका सम्मान हो नहीं पाया। और उसके लिए प्रांताध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो है ना जिले में आप कर लेंगे, इसका खर्चा का वहन मैं करूँगा। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम जो है ना यहाँ पर समाप्त हो रहा है और हम सब अभी घर जाने की तैयारी में हैं। बोलिए भारत माता की, पेंशनर संघ जिंदाबाद, पेंशनर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद हमारे गुरुदेव को। और साथ में हमारे बीच में और भी बहुत से साथी आए हुए हैं जो पहली बार रिटायरमेंट होकर के मेरे ख्याल से यादव जी यहाँ पर आए हैं पत्थल गाँव से। हाँ, तो आप दो सब। मैं पवित्र मोहन बेहरा, अभी अभी मैं 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 21वां पेंशनर ससम्मान आयोजन यहाँ रखा गया था। तो तमनार की भूमि जो पावन भूमि है, इसमें मेरे को मिलने का एक सौभाग्य मिला। और साथ में मेरा जो कहने का था मैं नहीं कह पाया, क्योंकि यहाँ समय को देखते हुए हम लोग समय में पहुँचे थे, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या थी, उपस्थिति थी, उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। हमारा बस मांग सरकार से यही है कि जिस दिन अगर रिटायर होते हैं और उसके एक महीना के अंदर, दो महीना के अंदर सारे प्रकरण निपटना चाहिए। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से सभी को घोषणा जैसे ही करती है डीए का, तो उसको तुरंत राज्य सरकार को देने के लिए हमारा जो मांग था मैं नहीं कर पाया, प्रस्ताव भी नहीं डाल पाया। और भविष्य में अगर कहीं जाऊंगा तो फिर मैं इसको प्रस्ताव रखूंगा, ताकि हमको जिस प्रकार केंद्र सरकार जैसे ही डीए को वहाँ से घोषणा करती है, उस प्रकार राज्य सरकार को सारे पेंशनर को देना चाहिए। मेरा यही निवेदन राज्य सरकार से। हमारे बीच में बीओ साहब भी हैं जो शिक्षा विभाग को वो देखते रहे, उसको अच्छी तरह से जानते हैं और पेंशन के विषय भी वो जानते हैं। आज के सम्मेलन के विषय में सबसे अच्छा क्या लगा सर? मैं डीआर यादव, रिटायर्ड सीओ, विभिन्न विकास खंडों में, विभिन्न ज़िलों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में मैं कार्यरत रहा हूँ। और 17 दिसंबर
को हम पेंशनर दिवस क्यों मनाते हैं ये बात हमारे पेंशनर्स लोगों को मालूम नहीं है। ये बातों की जानकारी मुझे आज मिली कि ये जो पेंशनर नियम जो है 17 दिसंबर 1982 को पारित हुआ था और उसी दिन के बाद ही पेंशनर मिलना हमारे पेंशनर का एक अधिकार बना। उसी दिवस के अवसर पर उसी की याददाश्त में ये पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है और ये तमनार की भूमि में हम सभी लोग आए हैं। हमारे सभी जसपुर ज़िले के साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़े उत्साह और लंबी संख्या में हमारे ज़िला से पेंशनर यहाँ आए, भागीदारी रही उनकी, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरा धन्यवाद।